H3N2 वायरस का कहर कोरोना के बाद अब फिर से शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, खांसी जुकाम बुखार के केसेस अचानक बढ़ने के कारण चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वहीं बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में H3N2 का जो रूप है वो घातक होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत में बुखार जुकाम के मरीज अचानक से बढ़ने लगे और इनका इलाज साधारण दवाइयों से भी नहीं हो रहा है। चीन में कोरोना हो रहा है बेकाबू और साथ ही साथ पीएम मोदी ने बुला ली है काफ़ी बड़ी मीटिंग। एक बार फिर से यहाँ पे भारत में H3N2 के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार खांसी जुकाम बुखार अगर आप लोगों को आए तो आप लोग ज़रूर जाएँ अपने नज़दीकी क्लिनिक और दिखाएँ उनको। सभी को 2 गज की दूरी और मास्क को अपनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी अब यहाँ पे माना जा रहा है। वैक्सीनेटेड लोग भी इस वायरस से नहीं बच पा रहे हैं, खतरनाक हो रहा है H3N2 का वायरस। आपको बता दें ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है और भारत में इसके केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके मरीज काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के कारण चिंताएं बढ़ रही हैं और नई लहर में केसेस जो हैं काफ़ी तेज़ी से दोगुने हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज परीक्षा फिर पर एक सभी पर एक नया खतरा आ चुका है। H3N2 वायरस के रूप में काफ़ी बड़ा संकट अब एक बार फिर से सामने निकल के आता